हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं पिजन के ट्राईप्लाई स्टील कुकर के बारे में, जो कि 3 लेयर स्टील में आता है। इन कुकर की खासियत ये होती है कि इसमें खाना जलता नहीं है और 100% हेल्दी हाइजीनिक सरफेस में खाना बनता है। ये जो कुकर है ये प्योर ट्राईप्लाई स्टील से बने हुए होते हैं, जिसमें अलग से बेस भी नहीं लगा होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेस्टीज के ट्राईप्लाई स्टील कुकर को पिजन के ट्राईप्लाई स्टील कुकर से, क्योंकि अभी रिसेंट में काफ़ी अच्छे धूम और धमाल मचा रखा है पिजन के भी ट्राईप्लाई स्टील कुकर ने। क्यों, क्या कारण है और क्या क्वालिटी का डिफरेंस है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्टेनलेस स्टील का कुकर लेना चाह रहे हैं कम दाम में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि इन दोनों में से कौन सा कुकर आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस डिफरेंस के बारे में। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पिजन के कुकर की, तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है और उसी के साथ साथ 3 लीटर कैपेसिटी में फ्रंट हैंडल का ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम इसको अंदर से देखते हैं, तो अंदर से हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है। ये देखिए मैट फिनिशिंग है इसकी, और उसी के साथ साथ नीचे से जो बेस है वो ट्राईप्लाई बेस देखने को मिलता है। ये पूरा ही कुकर ISI मार्क्ड है, तो सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी सेफ है। और इसमें आप अंदर इडली कुकर, इडली स्टैंड भी रख सकते हैं। अगर आपका 3 लीटर वाला इडली स्टैंड आप चाहें, तो इसके अंदर इडली भी कुकिंग कर सकते हैं। और ढक्कन जो है प्योर स्टेनलेस स्टील का है, जिसमें सेफ्टी वॉल्व और यहाँ पे गैसकेट रिलीजिंग सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये जो कुकर है ये एल्युमिनियम के रेट में है, तो यहीं पे हम वीडियो का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं कि अगर आप एक कुकर ले रहे हैं और लेना चाह रहे हैं ट्राईप्लाई स्टील का, ट्राईप्लाई स्टील का नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि 2500 से लेके 3000 की रेंज में कुकर मिलेगा, बट पिजन ने बहुत ही ज्यादा तोड़ू दाम इसमें निकाला है कि ये वाला कुकर आपको मिल रहा है सिर्फ 1300 से 1000 के बीच में। तो एल्युमिनियम के दाम पे ट्राईप्लाई स्टील का ये कुकर मुझे काफी बेहतर लगा। और अभी वीडियो के आखिरी तक मैं इसके काफी क्वालिटी डिफरेंसेस भी आपको बताऊंगा, जो प्रेस्टीज के साथ देखने में नजर आते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कुकर सिर्फ 1300 रुपीज में ही अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हमें देखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्राईप्लाई स्टील अगर हम कुकर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रेस्टीज का ट्राईप्लाई स्टील बॉडी कुकर है, जो कि काफ़ी अच्छा है और मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट को हम पिजन से कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टील के कुकर जनरली सालों चलते हैं, तो ऐसा कुकर लीजिए जो आपके लिए बेहतर हो। तो सबसे पहले अगर मैं थिकनेस की बात करता हूँ, तो थिकनेस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम प्रेस्टीज की थिकनेस आपको दिखाएंगे। तो ये रही प्रेस्टीज की थिकनेस आपके सामने, और अब हम पिजन की थिकनेस दिखाएंगे। तो पिजन की थिकनेस जरा सी कम लग रही है प्रेस्टीज के कंपैरिजन में, ये देखिएगा। अगर दोनों की थिकनेस सामने सामने मैं करता हूँ, तो प्रेस्टीज की थिकनेस ज़्यादा है, बट दोनों ही ट्राईप्लाई स्टील हैं। प्रेस्टीज के जो ये कुकर है, इसका जो प्राइस है वो लगभग 3000 की रेंज में आता है, और ये जो पिजन का प्राइस है जिसका आधे से भी कम है, कहने का मतलब है कि ये 1300 की रेंज में आ रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है, प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है, 1300 रुपीज़ में जस्टिफाइड क्वालिटी के साथ आ रहा है। अब इनर सरफेस की बात करते हैं, दोनों ही इनर सरफेस में आपको हेल्दी हाइजीनिक स्टील ऑफर करते हैं। प्रेस्टीज में आपको अंदर की तरफ से कहीं भी रिविट्स देखने को नहीं मिलेंगे, और ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस डिफरेंस की वजह से यहां पे 2 रिविट्स यहां पे और 2 रिविट्स यहां पे देखने को मिलेंगे। बट मैं कहूं अगर प्राइस डिफरेंस की इतना ज्यादा ही है, तो यहां पे रिविट्स इतने भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि ढेर सारे, जैसे विनोद का भी अगर आप कुकर ट्राईप्लाई स्टील का लेते हैं, वो आता है 2500-2600 का, बट उसमें भी आपको ऐसे रिविट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर 1300 रुपीज में आपको स्टेनलेस स्टील का कुकर लेना है। अब बात करते हैं हैंडल की क्वालिटी, तो हैंडल की क्वालिटी लगभग सिमिलर ही दोनों में देखने को मिलती है। बैकलाइट के हैंडल्स मिलते हैं, फ्रंट हैंडल मुझे पिजन का ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि छोटा सा साइज दिया है, तो टूटने का शिकायत नहीं आएगी। उसी के साथ साथ अगर मैं ट्राईप्लाई स्टील की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो लगभग सिमिलर रहती है, बट प्रेस्टीज का जो ट्राईप्लाई स्टील है थोड़ा मोटा है, इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस आपको और भी ज्यादा प्रीमियम मिलेगी। अब बात करते हैं इन दोनों के ढक्कन की, तो ढक्कन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये रहा प्रेस्टीज का ढक्कन और ये रहा पिजन का ढक्कन। पिजन का ढक्कन बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है, बट स्टेनलेस स्टील का है और ISI मार्किंग के साथ देते हैं, गैसकेट रिलीजिंग सिस्टम भी देते हैं, तो ये कुकर हो जाता है बिल्कुल सेफ। और यहाँ पे प्रेस्टीज में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सेफ्टी वॉल, गैसकेट रिलीजिंग सिस्टम तो मिलता ही है, प्रेशर इंडिकेटर भी मिल जाता है, और प्रेशर इंडिकेटर के साथ ही साथ यहाँ पे स्वच्छ मॉडल मिलता है, जिसमें दाल का पानी बाहर गिरता नहीं है।
इसी के साथ साथ ओपन क्लोजिंग सिस्टम भी दोनों का देखते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे पिजन का। तो पिजन में देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, इसको यहाँ से मैच करके आप थोड़ा सा पुश करके आराम से बंद कर सकते हैं। तो ये इसका ओपन एंड क्लोजिंग सिस्टम मुझे काफी अच्छा लगा। अगर इस प्राइस रेंज में आप लेना चाह रहे हैं सिर्फ 1300 रुपये में, तो इसका 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर कोई भी कुकर आप लीजिए, आप परफॉर्मेंस से काफी खुश रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं प्रेस्टीज की बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, अगर सबसे ज्यादा ही प्रीमियम क्वालिटी आपको लेनी है तो प्रेस्टीज का ये कुकर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर और 5 लीटर का साइज अवेलेबल है। और जनरली इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, क्योंकि पिजन का रेट तो बिल्कुल ही होलसेल दाम पे है, तो आप इसको परचेज कर ही सकते हैं। इन दोनों के ही बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर हम वजन की बात करते हैं, तो वजन दोनों का ही काफी अच्छा है। पिजन का जरा सा हल्का होगा प्रेस्टीज से, बट ट्राइप्लाई स्टील के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। तो अगर मैं 360 डिग्री दोनों का ही व्यू आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले ये पिजन का व्यू देखिएगा, काफी प्रीमियम और अच्छा फिनिशिंग है, और कहीं से भी ये 1300 का कुकर तो नहीं लग रहा है। तो 1300 रुपए में आपको बहुत ही जेम कुकर मिल रहा है, आप चाहें तो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे बाय लिंक दिया है ओरिजिनल कुकर का, जहां से मैंने भी खरीदा है वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। बस वीडियो के नीचे जाना है, पिजन इलाइट का बाय लिंक में क्लिक करके आप ऑल इंडिया खरीद सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रेस्टीज की बात करी जाए, तो प्रेस्टीज का थोड़ा सा हैवी और मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट रेंज है जो ऑल इंडिया इंटरनेट पे इस समय अवेलेबल है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। दोनों की गारंटी वारंटी की बात करें, तो दोनों की वारंटी आपको 5 ईयर्स की मिलती है। और ऑब्वियसली बात है कि गैस्केट ऑल इंडिया अवेलेबल होगी। कभी कभी क्या होता है कि पिजन की गैस्केट नहीं मिलती है, तो प्रेस्टीज के कुछ मॉडल्स की गैस्केट पिजन में लग जाती है, तो वो भी लगा के आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा लगा ये कंपैरिजन जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक कुकर है यहाँ पे 1300 रुपए का, 1300 रुपीज का, और एक कुकर है 3000 रुपीज का, तो क्या जस्टिफाइड है इस प्राइस रेंज में दोनों ही कुकर? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। मैंने कोशिश किया है कि ये इस वीडियो में आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से दोनों की क्वालिटी समझा दूं। और होशियार तो आप हैं कि कौन सा कुकर आपको परचेज करना है, आप वो आसानी से कर सकते हैं। ओरिजिनल बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारी रेगुलर बेसिस पे इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दिया है, जहां पे अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी हम वीडियोस या अपडेट देते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, ढक्कन दोनों के ही स्टील के दिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ यहां पे डायमीटर जो है वो थोड़ा सा अंतर है। तो वीडियो के लास्ट में डायमीटर भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अगर हम प्रेस्टीज की बात करते हैं, तो प्रेस्टीज का डायमीटर लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास का है, उसके आसपास का ही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वाइड देखने को मिलता है, बट यहाँ पे टॉल देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप टॉल कुकर लेना चाह रहे हैं, तो पिजन का कंपैटिबल है, और अगर आप नॉर्मल एर्गोनॉमिक डिजाइन का देखना चाह रहे हैं, तो प्रेस्टीज का कुकर आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।